आज बन रहा है मटन, क्योंकि मैंने बोला ही था कि मेरा तो बहुत मन कर रहा था होली, जो खाने का मन हो जरूर खाना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देख लीजिए बन रहा है बढ़िया मस्त मटन, एकदम ताजा ताजा। कैसे स्टॉक में सारा सामान रख रखा है मैंने, ये बढ़िया बनाएंगे बासमती चावल। सेट हो गया और ये जो मेरा लाडल, देख कैसे नाक पोछ रहा है, ऐसे नाक पोछते हैं बक्से में क्या ढूंढ रहा है ये? या निकाल दो क्या क्या, ये देखिए फिर बक्से में पैसे ऐसे सिक्के सिक्के नहीं होते, वही सिक्के गिरे तो वही चुन चुन के निकाला, निकाल तो देखो गाड़ी चला रही है, गाड़ी चला रही क्या दू क्या दे दू। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आप सभी को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। रप्रीत क्या मिला बक्से से? चप्पू मिला, दिखा तो निकाल के दिखा क्या क्या मिला तुझे। ये देखिए फिर बक्से में क्या ढूंढ रहा है ये? या निकाल दो क्या क्या, ये देखिए फिर बक्से में पैसे ऐसे सिक्के सिक्के नहीं होते, वही सिक्के गिरे तो वही चुन चुन के निकाला, निकाल दो। तो अभी फैन जो भी है सारा सामान निकाली, ये आप स्टैंड देख रहे हो मेरे बक्से में ऊपर ही रहता था, तो इसलिए मैंने सोचा स्टैंड को ना नीचे डाल दो, क्योंकि बक्सा हमेशा खोलना पड़ता है बंद करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको ना नीचे डाल दें। और रप्रीत के कपड़े देखिए कितने सारे, सिर्फ सिर्फ रप्रीत के कपड़े हैं, ये तो बिहार से लेके आया था रप्रीत के लिए, ये वो है, ये खाली रप्रीत कपड़े इतने के, आधे से ज्यादा बक्से में रप्रीत का ही कपड़ा रहता है। अभी चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, स्टैंड कपड़ा स्टैंड जो इसको डाल देते हैं नीचे, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बक्सा गिरा गिरा, ये लड़का गिरा गिरा, ये लड़का गिरेगा नीचे तक। क्यों करता? तो अभी फ्रेंड्स मैंने फाइनली अपने घर का सारा काम कर लिया, देख सकते हो आप लोग, बक्से को सेट कर दिया, इधर बेड भी सेट हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया, किचन वगैरह भी साफ हो गया पूरा मस्त अच्छे तरीके से। आइए आपको बाहर, आ जा बाहर आ जा लग गई, और कपड़े भी फाइनली धुल गए, और अभी यहाँ पे लगा रही हूँ मोटर पानी भरने के लिए, बोतल वोतल रखा है मेरा, बाल्टी रखा है, तार यहाँ से लेके वहाँ तक फैला रखा है, अब वो करेंगे इसमें भरा हुआ कूड़ा। इसको तो सबर ही नहीं है, बिल्कुल भी सबर नहीं है। ओए इधर आ, और अभी रुपये सारे कपड़े धुल के यहाँ पे क्लिप लगा दे ताकि उड़े ना, और हमारे पौधे सारे सूख गए, ध्यान नहीं दिया कुछ टाइम से, और अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं वेट 5 बजने का। रप्रीत आज खाने में जो मटन मन कर रहा है मेरा, लेकिन इतनी दूर जो जाना पड़ता ना लाने, देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड, अगर खाना है पेट पूजा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना प्लीज। बहुत गर्मी पड़ी है फ्रेंड्स, टी शर्ट में इतनी गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकते। और ये देख लीजिए मैंने पायल पहना, आज ही निकाला था बक्सा साफ करके, दिख गया मैंने कलाव पहन नहीं देते। अभी चल के आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, फाइनली 5 बजे 10-15-20 मिनट हो जाए, उसके बाद मैं करती हूँ पानी वानी भरती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम करेंगे, खाना पीना। आज तो कुछ भी नहीं है मैं खाने को, बना हुआ मतलब नहीं है, मतलब बनाया हुआ खाना नहीं है, आज तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसे ज़्यादा बना लो तो चलता है। पापा क्यों कर रहा है? लेना गया, हाँ मेरे सर पे चला दिया, देख लीजिए गाड़ी मेरे सर पे चलेगी फ्रेंड, अब पैरों पे चलेगी मेरे। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, पानी वगैरह भरते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बैठ नीचे बैठ के चला। फाइनली फ्रेंड्स मेरे घर में आज बन रहा है मटन, क्योंकि मैंने बोला ही था कि मेरा तो बहुत मन कर रहा था होली से पहले से खाने का मटन, लेकिन जो चीज मन करे वो जरूर खाना चाहिए। गिर जाएगा तू, इधर बैठ, जो खाने का मन हो जरूर खाना चाहिए, उतरेगा नीचे उतरेगा, उतर जा ले जा, जो खाने का मन हो जरूर खाना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देख लीजिए बन रहा है बढ़िया मस्त मटन,
एकदम ताजा ताजा। सोचा चलो मटन लेके चलते खाते हैं, क्योंकि जब तक मटन ना खाते तो बहुत दिनों बाद बिहार में ही खाया था उसके बाद। अभी फ्रेंड्स बन रहा और फिर बनाऊंगी मैं बढ़िया मस्त बासमती चावल, जो कि मैंने भर के रख रखा, जो कि रोहन ने ही भेजा था, आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो चावल रख रखा है, तो पहले तो हम चावल वावल निकालते हैं। मटन के साथ बासमती चावल ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे स्टॉक में सारा सामान रख रखा है मैंने। ये बढ़िया बनाएंगे बासमती चावल और मटन, फिर खाएंगे। दो तीन दिन तक तो खाएंगे ही खाएंगे फ्रेंड्स, अभी खाएंगे, कल सुबह खाएंगे, फिर शाम में खाएंगे, क्योंकि चाहे मैं चिकन हो चाहे मटन कुछ भी मैं बनाती हूँ, दो या तीन दिन, मतलब आज अगर बनाया तो आज सुबह शाम तक खाती हूँ, मतलब दो दिन तीन दिन का कोटा पूरा करके रखती हूँ। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, बढ़िया मस्त मटन बन जाए, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। को बाहर जाएगा इसको, देखो वाह वाह, बैठ बैठ पहले अपनी बात। अच्छा क्या खाया सुने, क्या बोलता है इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर गिरेगा ना, इधर देखिए कितना कॉर्नर पे खड़ा है, थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी। हाँ मेरे, चल किचन में किचन में किचन किचन में किचन क्या खा। तो फाइनली फैन मटन वगैरह तो बन गया था मैंने खास। हाँ बाबू को लेके आ पहले, अपने बाबू को लेके जाएंगे बाहर। खा लिया है मैंने बढ़िया मस्त, और अभी रखा हुआ है, आपको पता है गल सूद के इतना ही बचता है। फिर भी मन भर गया, बहुत अच्छा टेस्टी भी बना था, काफी अच्छा बना था। ये मटन साथ में बासमती राइस बनाया और खाया, मस्त खुश हो गए। क्यों बाबू आए थे लवली इतने भी बाबू पूछ ले फिर से फिर से अल्ले बाबले, बाबू को नीनी कैसे कराते हैं अल्ले बाबले। चलिए भाई मिलते हैं आप लोग। इसको देखो गाड़ी चला रही है, गाड़ी चला रही है। क्या क्या दूं, क्यों दे दूं, क्यों दे दूं, क्यों दूं, नहीं दूंगी। गाड़ी चलाएगा फ्रेंड्स आज, क्यों मैंने सोचा रात में ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना, आज जाने को सोचे थे लेकिन किसी वजह से नहीं गई, तो बर्तन सारे निकाल के बाहर रख दिया, खाना खाली करके रख दिया फ्रिज में, क्योंकि आपको पता ही है फ्रेंड्स एक बार खा लो दोबारा मन नहीं करता, मन भर गया पूरा। तो मैंने मटन को फ्रिज में रख दिया, चावल खाली करके ये रखा हुआ है। किचन अभी साफ करना है सबसे पहले बर्तन, क्योंकि बाहर का काम ज़रूरी होता है, जैसे आपको पता है बच्चा बहुत परेशान करता, बच्चा होता है। तो अभी बेड वगैरह फिर से झाड़ा, मतलब ये होता है बिस्किट खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो बेड बुड जो है ना गंदा होता ही रहता है। तो अभी चलिए ब्लॉग में बने रही, इंजॉयमेंट करते रहिए। फटाफट बर्तन वगैरह धोते हैं, फिर झाड़ू झूठ लगाते, देखिए बहुत बुरा हाल होता है घर में। काम कर लेंगे सुबह, क्या होगा, बस उठेंगे नहाएंगे धोएंगे, ऐसे मॉर्निंग में 6:30, 6:30 जाना है। मैंने सोचा था कि आज मंदिर जाऊंगी इसलिए मैंने नहा नहा लिया था, ऐसे ज़रूरी नहीं कि नहा के जाए, ऐसे भी जा सकते हैं। तो सुबह उठेंगे खाली जाने के लिए, टेंशन तो नहीं, घर जाके काम करना नहीं, अभी काम कर लो तो फ्री। और ऐसे भी गर्मी आ गई, गर्मियों में रात को सारा काम कर लो ना, तो घर एक रूम में खाना बनता है उसी में सोना है, तो अगर रात को ही सारा सफाई करके करूँ थोड़ा गर्मी कम लगती है, और अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अभी चलिए ब्लॉग में बनी रही, बर्तन धुल के आते फिर आप लोगों से मिलते हैं। वह देखो फ्रेंड बर्तन रखा है धुलने के लिए, देखा आप लोगों ने, और ये हमारी एक्टिवा खड़ी है, और देखिए बर्तन धुलने के लिए रख रखा है। बर्तन धोना पड़ेगा मुझे, फटाफट बर्तन धुल लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। यार कितना गंदा शंदा पड़ा है सब साफ करने, एक टब में यहाँ बर्तन रखा है, एक टब वहाँ रख रहे हमारे घर का, बेडबुड तो झाड़ी दिया। चलिए ब्लॉग में बने रही। तो फाइनली फ्रेंड्स काम सारा हो गया है, सब कुछ हो गया, किचन बढ़िया मस्त साफ, बॉटल वॉटल सब रखा हुआ है,
इधर भी सब कुछ, झाड़ू पोछा, पोछा तो खाली झाड़ू लगाया, बेड सेट हो गया, और ये जो मेरा लाडल कैसे नाक पोछ रहा है, ऐसे नाक पोछते हैं बुड्ढा हो गया पूरा बुड्ढा। तो काम हम तो फाइनली हो चुका है, अब आराम से सोएंगे। चल चल रिपोर्ट सारी निकाल कर रखनी पड़ेगी, बस पूछो छुपो छुआ छुपो छुपो पूछा नवली बबली छुपो छुपो पूछा नवनबली मम्मा भी तो चिपचा 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 चुपो चो चुपो चो। चल हट पूछी दे, हट मेरे पेट में दर्द हो रहा रे लड़को, कितनो परेशान इससे का। तो बस यही है, बाल ही नोचेगा या तो मेरे को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फाइनली बाबू सो चुके हैं, रपली बाबू देख सकते हो आप लोग, ये देखो फाइनली बाबू सो चुका है, इधर पंखा चल रहा है, मैं भी बेड। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी, सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जो हमारे चैनल पर नए आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें। मेरा इंस्टाग्राम आई डी है रप्रीत प्रिया 77 फॉलो लाइक कमेंट शेयर कर लें। तो अब जा रही हूँ फ्रेंड मैं सोने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और काम तो होता ही रहेगा। कामों का क्या, काम में तो बहुत काम 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 काम, दिन रात काम ही करना है इंसान को, कहाँ ज़िंदगी में फुर्सत है। और नींद भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, काम नाम करते करते। एक चीज़ है फैम, अगर आप पूरा दिन काम करोगे ना, पूरा दिन ही काम करते रहोगे, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। पूरा दिन ही काम करते रहोगे तो ख़त्म नहीं होगा। जिस दिन मैं छोड़ देती हूँ पूरा काम, तो धारा का धारा रहता है, एक बार करो फुर्सत। लेकिन घर है, अब घर में इस तरह गंद फैला कर रखो बुरा लगता है। लेकिन कभी कभी मैं भी, पता है क्या फ्रेंड, बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, आप में से बहुत से फ्रेंड होंगे, कुछ लोग ये कमेंट कर देते हैं आके, फोन चार्ज में लगा चार्ज, कुछ लोग आके कमेंट कर देते हैं कि ये है वो है ऐसा है, कैसे गंद फैला कर रखी एक रूम में, बहुत प्रॉब्लम होती है आपको पता है फैन। कहने को है कि यहाँ बहुत सस्ता रूम मिल रहा है, मिलता है, लेकिन चंडीगढ़ में इतना महंगा रूम रेंट है, इतना महंगा है कि बता नहीं सकते। इतने में तो इंसान खुद का घर खरीद ले, मंथली ऐसे दे देंगे पैसे, सच बता रहे हो। अगर जैसे कि जैसे रेंट जैसे होता ना, इंसान अपना घर ले लो, मंथली मंथली पैसे किस्तों वाला सिस्टम अगर वैसा हो ना, तो ऐसे इससे अच्छा मैं यही कर लूँ, जो महीने के पैसे मैं यहाँ भरूँ, इससे अच्छा वहाँ भरूँ तो हमारा खुद का हो जाए। महीने का मैं कह रही हूँ क्या, मेरा यहाँ पे 4500 रुपये तक चला जाता है, 4500 से प्लस 5000 कह दीजिए हो जाता है, से ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। बिजली बिल अब तो गर्मियों की इतना बिजली बिल आएगा, फिर फ्रिज चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब तो मुझे बहुत जम के नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ फ्रेंड, बातें तो बहुत होंगी, इसलिए काम धाम दुनियादारी सब साइड में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। जिस दिन मूड बनता है काम करने का तो कर लेती हूँ, जिस दिन मूड नहीं बनता तो सब रखा रह जाता है, तो रात से लेकर सुबह तक का काम दूसरे दिन शाम को करती हूँ, मेरे साथ यही है। तो चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय।